श्यामगढ़। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा द्वारा ओबीसी का कॉलम जनगणना में जोड़ने के लिए दिया गया ज्ञापन। आज पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के समस्त जिला, ब्लॉक, तहसील और विधानसभा अध्यक्षों के द्वारा अपने अपने जिलों में, तहसीलों में ज्ञापन दिया गया। उसी के आधार पर शामगढ़ में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष कुलदीप राठौर के निर्देश अनुसार शामगढ़ नगर में तहसील कार्यालय में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के जिला मीडिया प्रभारी पत्रकार राजू परिहार व नगर मीडिया प्रभारी कमल प्रजापति व ओबीसी महासभा की टीम द्वारा एक ज्ञापन माननीय तहसीलदार आर एल मुनिया को दिया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा आगामी 9 फरवरी से होने वाली जनगणना में ओबीसी की जातिगण जनगणना नहीं कराने का फैसला लिया है। आगामी 9 फरवरी से होने वाली जनगणना के प्रपत्र में ओबीसी समाज का कालम नहीं है, जिसके कारण ओबीसी समाज के बच्चों को उसकी संख्या के अनुपात में संवैधानिक और लोकतांत्रिक हक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। इसीलिए अखिल भारतीय ओबीसी महासभा केंद्र सरकार से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन कर रही है कि आगामी 9 फरवरी से होने वाली जनगणना में ओबीसी का कालम जोड़ा जाए। इस हेतु आज देश के सभी 726 जिलों व कलेक्टर और तहसीलों के तहसीलदारों के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया है, जो आज शामगढ़ तहसीलदार आर एल मुनिया को ज्ञापन दिया गया। वह ज्ञापन वाचन अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के जिला मीडिया प्रभारी पत्रकार राजू परिहार द्वारा किया गया। शामगढ़ से संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। किस उद्देश्य को लेकर आप ज्ञापन दिए गए हैं आज? हमने शामगढ़ तहसील में ओबीसी के महासभा ओबीसी के लिए ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे जो जनगणना होती है उसमें ओबीसी का कहीं से कहीं तक कोई कालम नहीं होता है, तो हमने ओबीसी का अलग से कालम बनाने के लिए आज शामगढ़ तहसील में तहसीलदार जी को कल ज्ञापन दिया। क्या नाम है आपका? अशोक बैरागी। अब जी, किस उद्देश्य को लेकर किस लिए ज्ञापन दिया गया है यहाँ पर आप? आज माननीय तहसीलदार महोदय को हमारे अखिल भारतीय ओबीसी महासभा द्वारा जो मध्य प्रदेश में जनगणना होती है उसमें ओबीसी का कहीं से कहीं तक कोई कालम नहीं है, उस कालम को हमें इस जनगणना में जोड़ने के लिए प्रदेश स्तर पर सभी जिलों में यह ज्ञापन दिया जा रहा है अखिल भारतीय ओबीसी महासभा द्वारा। इसलिए हमने भी शामगढ़ में माननीय तहसीलदार महोदय आर एल मुनिया साहब को एक आवेदन पत्र ज्ञापन के रूप में दिया है, जिसे वहां होने वाली जनगणना में ओबीसी का कालम जुड़वाने के लिए। क्या नाम है आपका? पत्रकार राजीव प्रभारी महासभा। खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या
RSC डिजिटल गरोड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।